नमस्कार दोस्तों, तो आज अपन शुरू करेंगे सातवीं यूनिट में अपना जो लेक्चर है पॉपुलेशन प्रेशर और ऑन एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण पर जो बढ़ती जनसंख्या है उसका दबाव पड़ता है तो उससे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है इसको अपन देखेंगे। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे पर्यावरण किस प्रकार पर्यावरण को पर्यावरण जो है उसको जनसंख्या प्रभावित करती है। तो उसका एक सूत्र है, यानी बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका एक सूत्र है, वो अपन देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तथा इसके अलावा अन्य जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीजें हैं जो जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं उनको अपन देखेंगे। जैसे बढ़ती जनसंख्या है इसके कारण जो एनर्जी नीड है यानी कंजप्शन का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, इसके अलावा जो जलीय संसाधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपके जो वन संसाधन है उसमें क्या कमी आई है, जमीन है वो किस प्रकार कम हुई है, तो भारत के संदर्भ में अपन ये चीज देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अपन जो इन्वायरमेंट की जो सीरीज चला रहे हैं ये आपको अगर बेनिफिशियल लगे कि हाँ आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें जिससे दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका फायदा हो जाए, तथा जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे जिससे सभी लोगों को इसका फायदा हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो से हमें कुछ बेनिफिट होता है तो आप ये चीज़ करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी चीज़ करने की, ठीक है। तो अभी अपन लेक्चर शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन हैं वो अपन देखेंगे और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप दोगे, इसका आंसर मैं फिर वापस अगर कोई स्टूडेंट गलत करता है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कल मैं दे दूंगा। तो अगर नई चीज अपन ये शुरू करेंगे कि डेली अपन एक या दो क्वेश्चन जो है उनको अपन डिस्कस प्रतिदिन अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आवर्त बीजी और ऑप्शन डी है अनावर्त बीजी। तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर दो जो है इसमें वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका आंसर भी आपको जो चैट बॉक्स है उसमें आप दे दें कि वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो इनका आंसर आपको देना है। दूसरा, अगर आपको ये चीज सही लगे कि अपने क्वेश्चन में साथ में इंक्लूड करें तो यस या नो में आप आंसर दे देना मेरे को, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि आपको ये क्वेश्चन अगर अपन एक या दो क्वेश्चन दे दिए अगर अपन डिस्कस करें तो कैसा रहेगा। तो अब अपन शुरू करेंगे पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, और थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इंक जो है वो मिल नहीं पा रही, इसलिए अपन मैं जो ये उजाला का जो नील है इसका ही उपयोग कर रहा हूँ स्याही के रूप में, इसलिए बोर्ड पर थोड़ा सा धुंधला दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्याही मिल नहीं रही तो और अपने अपने पास जो खाली टाइम है उसका अपने उपयोग करें, क्योंकि ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो जॉब में हैं तो उनके लिए ये जो टाइम है ये एकदम बढ़िया टाइम है, इसमें आप जितना ज्यादा सिलेबस कर सकते हैं कर सकते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे पॉपुलेशन प्रेशर ऑन ऑन एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, देखो जनसंख्या वृद्धि अगर अपन शुरू से मानव उत्पत्ति से देखें तो मानव उत्पत्ति के समय जनसंख्या वृद्धि इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ है, कृषि क्रांति आई, फिर इसके पश्चात आपकी औद्योगिक क्रांति आई, तो कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति फिर कृषि क्षेत्र में ही हरित क्रांति अपने भारत में आई, और हरित क्रांति से खाद्यान्न का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। इसके अलावा अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए पेस्टिसाइड हर्बिसाइड ये जो चीजें हैं उर्वरक ये ज्यादा काम में आने लगी, जिससे खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा हुआ,
तथा पॉपुलेशन जो पहले भूख के कारण मर जाती थी वो चीज वो खाद्यान्न के उत्पादन के कारण खत्म हो गई, क्योंकि आज के समय में या फिर हरित क्रांति भारत में जब आई 1966 में, तो उसके पश्चात भूख की जो स्थिति है वो देश में धीरे धीरे खत्म हो गई और अब खाद्यान्न जो है वो पर्याप्त देश में उपलब्ध है, इसलिए खाद्यान्न की वजह से कोई डेथ नहीं होती है। तो पॉपुलेशन की वृद्धि के लिए ये भी एक कारक है, क्योंकि जो डेथ रेट है उसमें धीरे धीरे कमी आई है, क्योंकि अपन ने देखा है कि 1921 के समय जनसंख्या जो है वो ऋणात्मक -31% तक माइनस में उस टाइम पे जनसंख्या गई थी। तो उसे अपन 1921 का जो ईयर है उसे अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय। तो उस समय जनसंख्या में अत्यधिक कमी हुई थी, उसका कारण क्या था कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। तो आज के समय में अगर देखें तो कृषि क्रांति जो है वो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बना है, कृषि क्रांति जिसमें आपके हरित क्रांति, उर्वरक उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, तो ये जो चीजें हैं इसके कारण क्या हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से बीमारियों के निदान में बीमारियों का निदान इससे हुआ है, टीकाकरण, ये सारी चीजें अपन ने पहले देख ली हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण जो केयरिंग कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि इससे जनसंख्या आपके पर्यावरण जो है उस पर एक दबाव पड़ता है और संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लग जाता है। संसाधनों का उपभोग न होके संसाधनों का क्या होने लग जाता है, दोहन होने लग जाता है। जितना प्रकृति संसाधन उत्पादन करती है उससे ज्यादा जब कंजप्शन हो जाता है तो प्रकृति जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है। तो बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर प्रभाव का समीकरण, इस समीकरण के द्वारा अपन ये देख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। इसका फॉर्मूला है I=PAT। फॉर्मूला क्या है, I=PAT, जहां पर आई क्या है, यहां पर आई है इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इन्वायरमेंट, आई क्या है इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इन्वायरमेंट, पी क्या है, पी यहां पे है नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, ए है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस यानी प्रभाव, जो जनसंख्या है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं डिमांड पर पर्सन, प्रति व्यक्ति डिमांड बढ़ती है तो इससे इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा टी बराबर है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट, पी बराबर क्या है टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये इसका सूत्र है I=PAT, आई बराबर है पॉपुलेशन इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इन्वायरमेंट, तो ये है प्रभाव पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर ऑफ पीपल जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है। ए है एफ्लुएंस, प्रभाव किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ये भी अपन देख लेंगे, और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई है पर्यावरण पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा पड़ा है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो वातावरण पर्यावरण है उस पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, साथ में ही तकनीकी का जो उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है वो भी पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। विकसित देश जो है वहां पर पर्यावरण पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है, क्योंकि विकसित देश जो है वो संसाधनों का उपयोग अत्यधिक उपयोग करते हैं,
जबकि अविकसित देश जो है वो संसाधनों का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि वहां पर जो लग्जरी लाइफ है वो विकसित देशों में ज्यादा है, इसकी वजह से वहां पर प्रकृति का दोहन अधिक होता है। विभिन्न जनसंख्या समूह पर्यावरण पर अलग-अलग स्तर पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो संस्कृति होती है अलग-अलग देशों की, उसके अनुसार भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन देखें भारतीय जनसंख्या, भारतीय जो संस्कृति है उसमें आपको ये मिलेगा कि संसाधनों का सीमित उपयोग करें, जितनी अपने को आवश्यकता है उतना ही अपन उपयोग करें। जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो लोग झूठा जो है उसको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन अपनी संस्कृति में ऐसा है कि जो भोजन जो अपन छोड़ते हैं थाली में वो एक अपशिष्ट के रूप में, या फिर उसको अपन बहुत मतलब गलत चीज मानते हैं। इसी प्रकार अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखोगे या फिर जो यूरोपीय कंट्री है वहां पर देखोगे, वहां पर ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, तो संस्कृति भी पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार विकसित देश, विकसित देशों में संसाधन उपभोग अविकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। संसाधन उपभोग क्या है अविकसित देशों की तुलना में यहां पर ज्यादा है। तो अब अपन देखेंगे पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो किस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। पॉपुलेशन साइज, या फिर जनसंख्या आकार, जनसंख्या का बढ़ता आकार, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा। जैसे आपके जल है, या फिर ऊर्जा है, या फिर भोजन है, इन सब पर दबाव पड़ता है। तो बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों पर, संसाधन कौन से, जैसे जल, आवास, खाद्यान्न, भूमि पर प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है। इसी प्रकार जो पॉपुलेशन साइज में ही एक आता है केयरिंग कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो पर्यावरण जो है वो मैक्सिमम कितने लोगों को पर्याप्त रूप में संसाधन उपलब्ध करा सकता है एक निश्चित समय में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। यानी अधिकतम लोगों की वह संख्या, अधिकतम लोगों की वह संख्या जिसे पर्यावरण निश्चित समय में संसाधन उपलब्ध करा सकता है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही कैरिंग कैपेसिटी पर्यावरण की कम होती जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग का दबाव एक निश्चित क्षेत्रफल पर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा भोजन की डिमांड होगी और ज्यादा कंजप्शन की डिमांड होगी, तो पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, पर्यावरण से ही मिलती हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन साइज है
उसको तीन कारक ज्यादा निर्धारित करते हैं। वो तीन कारक कौन से हैं? इंपॉर्टेंट चीज है ये, पॉपुलेशन साइज को तीन कारक निर्धारित करते हैं यानी उस पर प्रभाव डालते हैं। तो पॉपुलेशन साइज में तीन कारक हैं आपके, जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन। जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन, ये जो तीन कारक हैं ये पॉपुलेशन की डेमोग्राफी को प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन साइज की डेमोग्राफी को तीन कारक प्रभावित करते हैं। और ये तीन कारक कौन से हैं? पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है पलायन। ये जो तीन कारक हैं ये पॉपुलेशन साइज की डेमोग्राफी को निर्धारित कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन साइज की डेमोग्राफी को प्रभावित करने वाले मुख्य तीन कारक कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन, ये तीन कारक ऐसे हैं जो पॉपुलेशन साइज की डेमोग्राफी को निर्धारित करते हैं। अब संसाधनों का उपयोग जो है वो क्षेत्रवार भिन्न भिन्न संसाधनों का उपयोग अपन ने देख लिया कि अलग अलग देशों में संसाधनों का उपयोग अधिक होता है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर उपभोग अधिक होता है। विकासशील देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 80% निवास करती है। इससे विकासशील देशों में जो पर्यावरण है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में जनसंख्या क्या है? अशिक्षित है इसलिए ज्यादातर, और गरीब है इसलिए ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है वो सार्वजनिक जो संसाधन है उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे तालाब हुए, वन हुआ, इन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि विकासशील देशों में गरीब जनसंख्या पाई जाती है और गरीब जनसंख्या जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भर करती है। इसी प्रकार विकसित देशों में जनसंख्या कम पाई जाती है इसलिए संसाधनों का पर दबाव इसका कम पड़ता है। शहरीकरण ज्यादा होने से उस क्षेत्र में ज्यादा दबाव पड़ेगा और संसाधन उपभोग भी अधिक होगा। और संसाधन उपभोग अधिक होगा तो इससे अपशिष्ट भी अधिक होगा, और अपशिष्ट अधिक होगा तो इससे पर्यावरण क्या होगा? पर्यावरण डिग्रेड होगा, पर्यावरण पर इसका प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है। इसी प्रकार पलायन जो है, पलायन कोई व्यक्ति क्यों करता है? पलायन इसलिए करता है कि जिस स्थान पर व्यक्ति को भोजन, आवास और रहने की पर्याप्त सुविधा न हो तो व्यक्ति दूसरे स्थान पर पलायन करता है, या फिर आपसी संघर्ष, अगर प्रजातियों के मध्य आपसी संघर्ष हो जाए तो भी व्यक्ति पलायन करता है। तो पलायन के कारण ज्यादातर पलायन कहाँ होता है? शहरों में होता है, इसलिए शहरी क्षेत्र पर ज्यादा दबाव पड़ता है, एक ही क्षेत्र पर जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब अपन देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि किसी जनसंख्या समूह में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या समूह में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का
समूह, पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा जनसंख्या से ये किस प्रकार संबंधित है, ये अपन देखें। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि आज के समय में अगर अपन देखें तो युवा वर्ग जो है उसकी संख्या बुजुर्ग वर्ग की तुलना में क्या है, ज्यादा है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो युवा ज्यादा है, बुजुर्ग कम है। और युवा वर्ग की टेंडेंसी होती है कि युवा वर्ग पहली बात तो लग्जरी लाइफ जीता है, और दूसरा उसको ऐसा क्षेत्र जहां पर उसको संसाधन इजीली उपलब्ध हो जाए या फिर वो अपने रोजगार के लिए वो दूसरे क्षेत्रों में पलायन करता है। इसी प्रकार युवा वर्ग जो है वो आज जहां पर विकसित देश हैं उनकी तरफ पलायन ज्यादा करता है, इसलिए उन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी और उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव एकदम पड़ता है। शहरी क्षेत्रों की तरफ युवा वर्ग ज्यादा आकर्षित होता है, इसलिए उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, इसलिए शहरीकरण भी ज्यादा होगा। युवा वर्ग पलायन कहां करता है, शहरी क्षेत्र या फिर विकसित देशों में पलायन करेगा, जिससे क्या होगा, शहरीकरण बढ़ता है। और शहरीकरण बढ़ने से क्या होगा, उस क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होता है, पर्यावरण उस क्षेत्र का डिग्रेड हो जाता है। इसके अलावा आय वर्ग की बात करें तो अधिक आय वाले लोग अधिक आय और कम आय के दो वर्ग हैं, तो इन अधिक आय वर्ग के जो लोग हैं इनका उपभोग अधिक होगा, ये उपभोग अधिक करेंगे, इनकी ऊर्जा की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ये अपशिष्ट भी ज्यादा उत्पन्न करेंगे, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित करने में ये अधिक आय वर्ग जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कम आय वर्ग तो कम उपभोग करेगा क्योंकि इनको मिल ही नहीं पाएगा आसानी से, कम ऊर्जा का उपभोग करेगा, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित करने में ये वर्ग जो है ये कम रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार विकसित देश जो हैं वो वहां पर मांग अधिक है क्योंकि वहां पर कंजप्शन ज्यादा है। इसी प्रकार अविकसित देश जो हैं वहां पर मांग कम है क्योंकि कंजप्शन कम है। विकसित देश और दूसरा है अविकसित देश। विकसित देश की मांग क्या होगी, मांग ज्यादा, जबकि अविकसित देश की मांग कम है। तो विकसित देश की मांग ज्यादा है तो संसाधन उपभोग अधिक होगा, और संसाधन उपभोग अधिक होगा तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार इनकी मांग कम है तो यहां पर संसाधन इजीली उपलब्ध हो जाएंगे, संसाधन अधिक होंगे, लेकिन ये संसाधन कहां चले जाएंगे, ये संसाधन विकसित देशों के द्वारा ले लिए जाते हैं। इसी प्रकार जो अनस्किल्ड पर्सन है वो अविकसित देशों से अनस्किल्ड जो पर्सन है वो अविकसित देशों से कहां जाएंगे, विकसित देशों में जाएंगे, और फिर विकसित देशों की ज्यादा मांग बढ़ेगी, इसलिए अविकसित देश और विकसित देश ये दोनों ही पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देते हैं, क्योंकि अविकसित देश डायरेक्ट रूप से लेते हैं संसाधनों का उपयोग,
जबकि अविकसित देश जो है वो इनडायरेक्ट रूप से संसाधनों का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ के संसाधन इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है। अब अपन देखेंगे फूड प्रोडक्शन, भोजन का उत्पादन। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी भोजन की मांग भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुसार ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा भोजन की डिमांड भी होगी। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा भोजन आवश्यकता, ज्यादा भोजन आवश्यकता तो ज्यादा कृषि, और ज्यादा कृषि होगी तो फिर अपने वो हरित क्रांति करनी पड़ेगी जो कि 1966 में हुई थी। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। एम.एस. स्वामीनाथन अपने भारत में और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो पूरे विश्व में। हरित क्रांति में भारत ने मेक्सिको से हाई वेराइटी यील्ड वाले सीड HYV, हाई यील्ड वेराइटी सीड जो है वो मंगवाए थे, और ज्यादातर हरित क्रांति का प्रभाव अपने पड़ा है तो गेहूं और चावल इस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन हुआ। बाकी जो क्षेत्र है जैसे दाल है उस पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? कीटनाशक, इसके अलावा उर्वरक उपयोग अधिक किया गया, इससे जल प्रदूषण हुआ और इसी से ही भूमि प्रदूषण भी इससे हुआ, भूमि डिग्रेड हुई और इससे पर्यावरण जो है वो सारा प्रभावित हुआ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन कीटनाशकों की वजह से मर जाते हैं, इसलिए पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। जनसंख्या अधिक तो अपने देखा कि कृषि भी अधिक हुई, और कृषि अधिक हुई तो जंगल काटे गए, और जंगल काटे गए तो इससे पर्यावरण पर सीधा इसका प्रभाव पड़ा। तो ज्यादा जनसंख्या होने से ज्यादा भोजन भी की आवश्यकता होगी और इससे पर्यावरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आगे अपन ये देखेंगे कि भारत में भोजन की डिमांड किस प्रकार बढ़ी है, वो अपन तुलनात्मक रूप से किस वर्ष में कितनी भोजन की डिमांड थी प्रति व्यक्ति, और किस 2000 में या फिर उसके आगे के वर्षों में किस प्रकार डिमांड जो है वो बढ़ी, तो वो अपन भारत के संदर्भ में आगे अपन देख लेंगे। अब अपन देखें गरीबी और पर्यावरण पर प्रभाव। गरीबी व पर्यावरण पर प्रभाव, ज्यादा गरीबी होने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और ज्यादा गरीबी कब होगी? जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और उसको संसाधन नहीं मिल पाएंगे तो उसमें अशिक्षा होगी, और अशिक्षा होने से उसमें गरीबी आती है। गरीबी व पर्यावरण ज्यादा जनसंख्या से ऐसा मानता होगी क्योंकि उसको संसाधन सबको समान रूप से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ने से गरीब व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक जो संसाधन है उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग ज्यादा, उपयोग क्या करेंगे, ये सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग ज्यादा करेंगे, जैसे भूगर्भिक जल या फिर स्थल जल या फिर आपके जंगल, जंगल किस लिए? ईंधन के लिए, इसके अलावा भोजन, भोजन के लिए,
ये इसका उपयोग करेगा और इसका उपयोग करने से क्या होगा, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है गरीबी का। ये अपन ने जो विशेष जो साइकिल था वो अपन ने पहले देखा था, वो भी गरीबी और पर्यावरण पॉपुलेशन जो है उस पर किस प्रकार वो प्रभावित करती है वो अपन ने देखा था। बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय समस्याएं, बढ़ती जनसंख्या व पर्यावरणीय समस्याएं, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी। पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी, जैसे मृदा है ये प्रभावित होगी, वन है वन प्रभावित होंगे, इसके अलावा जल क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होगा, वायु जो है वो भी इससे प्रभावित होगी क्योंकि वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा, इसके अलावा जो कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, कंजप्शन पैटर्न चेंज हो जाएगा इससे, इसके अलावा पानी की कमी आएगी, जल अपर्याप्तता। तो ये सारे कारण जो हैं, ये बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, ये सारे कारक बढ़ती जनसंख्या के कारण ही सारा सब कुछ बाजरा ये हुआ है। अब अपन देखेंगे प्रेशर ऑन लैंड, भूमि पर दबाव, भूमि पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज्यादा भूमि पर दबाव बढ़ेगा। पहले लोगों के पास जनसंख्या कम थी इसलिए कृषि योग्य भूमि जो थी वो पर्याप्त भूमि थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई प्रति व्यक्ति हेक्टेयर भूमि जो है वो कम होती गई है। पहले छोटे समूह में परिवार हुआ करते थे, भूमि का विभाजन नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में भूमि जो है वो धीरे धीरे विभाजित होती जा रही, कृषि योग्य भूमि जो है उसका विभाजन होता जा रहा है, क्योंकि परिवार जो है वो छोटे परिवार ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि परिवार जो है वो विखंडित हो रहे हैं इसलिए भूमि भी क्या हो जाती है, प्रति हेक्टेयर भूमि जो है वो धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। दूसरा, कृषि योग्य भूमि जब कम होती है तो इसका परिणाम पर्यावरण पर किस प्रकार पड़ता है, जब भूमि कम होगी तो ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा उत्पादन के लिए पेड़ पौधे काटे जाएंगे, इसके अलावा आधुनिक कृषि को भी इससे बढ़ावा मिलता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% कृषि होती है जो कि विश्व में सर्वाधिक है। यानी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत में 40% भूभाग पर कृषि होती है। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उसका क्षेत्रफल भी बढ़ा है, क्योंकि पर्यावरण में जो जंगल वगैरह थे या फिर घास के मैदान थे उनको साफ करके कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत में जनसंख्या वृद्धि 3 गुना हुई है जबकि कृषि योग्य भूमि में 20.23% की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि होने से कृषि योग्य जो भूमि है इसमें भी वृद्धि धीरे धीरे हुई है। कृषि भूमि
विस्तार का प्रभाव। कृषि भूमि विस्तार होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कृषि अधिक क्षेत्र पर होगी, जिससे मृदा अपरदन होगा। इसके अलावा कीटनाशक उपयोग अधिक होगा, इसलिए जल तंत्र खराब हो जाएगा। इसके अलावा वन क्षेत्र कम हो जाएगा, क्योंकि कृषि कहाँ होगी? वन क्षेत्र को काटकर ही कृषि की जाएगी, जैसे झूमिंग कृषि है जो कि पूर्वोत्तर इलाकों में की जाती है। इससे अधिक सिंचाई होगी, और अधिक सिंचाई होने से जो भूगर्भिक जल है उसका स्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा सोइल सेलिनिटी बढ़ेगी। सोइल सेलिनिटी अपन ने देख लिया को क्या होती है, सेम की समस्या बढ़ेगी। इसके अलावा भूमि की जो लवणता है वो बढ़ेगी, भूमि की अम्लीयता या क्षारीयता वो बढ़ेगी। इससे मृदा जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उपजाऊ हो जाएगी, और इससे लैंड जो है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इससे क्या होगा, लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। 1950-51 में 0.638 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर भूमि कब थी? 1950-51 में 0.638, जबकि 1998-99 में ये आपके घटकर हो गई 0.291 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर। यानी भूमि जो है, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर भूमि जो है वो कम हो गई, खेत का आकार छोटा हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे कृषि जो है वो, कृषि के कारण पर्यावरण क्या होता है, जाती है वो प्रतिशत क्या है वो अपन देखेंगे। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कुल भौगोलिक क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर, ये पूरा क्षेत्र है भारत का। इस क्षेत्र में से आपके जो भूमि डिग्रेड हो चुकी है, डिग्रेडेड लैंड, वो है आपके 96.07 मिलियन हेक्टेयर, जो कि अपन पूरे 96.04 मिलियन हेक्टेयर, जो कि अपन दूसरे यूनिट में देख चुके हैं कि इतनी जो भूमि आपके वाटर लॉक्ड है, यानी कि जो भूमि दलदली है, वो है आपके 8.5 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा 4.5 मिलियन हेक्टेयर और क्षारीय भूमि है वो है 3.6 मिलियन हेक्टेयर। तो इतनी भूमि जो है वो अपने डिग्रेड हो चुकी है। अब अपन वन क्षेत्र की बात करें, जनसंख्या जो जो बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वो कम होता जाता है, और भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वो विश्व की तुलना में काफी कम है। वन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र या पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया विश्व की तुलना में काफी कम है। विश्व की तुलना में क्या है, भारत का पर कैपिटा जो है वो काफी कम है। 1950-51 में 1.13 था, जो कि 1999 तक 0.071 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 1950-51 में 0.113 हेक्टेयर पर कैपिटा, जो कि 1999 तक ये हो गया 0.1 हेक्टेयर पर कैपिटा। इतनी कमी भारत में जो वन क्षेत्र है उसमें आ गई है। अब अपन बात करेंगे
जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या जो है वो जैव विविधता को भारत में और विश्व में उसने किस प्रकार प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या वह जैव विविधता, बढ़ती जनसंख्या व जैव विविधता। भारत उन 12 देशों में शामिल है जहां जो मेगा बायोडायवर्सिटी क्षेत्रों में शामिल है, यानी कुल जितने 12 मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र एरिया पूरे विश्व में है उनमें से भारत एक शामिल है। विश्व के कुल 12 मेगा डायवर्सिटी एरिया में भारत भी शामिल है और भारत में जो पूरा विश्व है उसका अगर अपन फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा जो है वो आपके 7% पूरे विश्व का और फौना है 6.5%। भारत में विश्व का 7% फ्लोरा व 6.5% फौना विद्यमान है। फ्लोरा क्या होता है? जितने भी जीव जंतु हैं उनको फ्लोरा में और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको फौना में, सॉरी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको फ्लोरा में शामिल किया जाता है और जितने भी जंतु हैं उनको फौना में शामिल किया जाता है, यानी सब पेड़ पौधे मिलाकर अपन क्या कहते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। तो 7% भारत में है फ्लोरा और 6.5% भी भारत में ही है फौना विश्व के। जनसंख्या वृद्धि के कारण संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 1000 फौना वह 20,000 फ्लोरा संकटग्रस्त है। प्रतिवर्ष इतनी संख्या इनकी हो जाती है, इतने जो फ्लोरा और फौना है वो संकटग्रस्त हो जाते हैं। अब अपन देखेंगे चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ एनर्जी डिमांड, चेंजिंग कंपोजिशन पैटर्न, एनर्जी की डिमांड किस प्रकार प्रभावित हो रही है बढ़ती जनसंख्या के कारण। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो व्हीकल हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि संख्या जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ उनके उपभोग के लिए आवश्यक चीजें जो हैं वो भी बढ़ जाती है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन कंजप्शन, बढ़ती जनसंख्या के कारण व्हीकल जो है उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ऊर्जा मांग बढ़ी है, क्योंकि व्हीकल जो है उनका उपयोग ज्यादा बढ़ा है। वर्ष 2000 में प्रति 1000 लोगों पर प्रति 1000 जो लोग थे उस पर 10 वाहन औसत हुआ करते थे, जबकि वर्ष 2020 तक प्रति 1000 पर 44 वाहन बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार जो बिजली की खपत है उसमें भी वृद्धि हुई है। बिजली की खपत जो 1950-51 में 5 मिलियन किलोवाट पर आवर थी वो अब बढ़ के 2000 में 500 मिलियन किलोवाट पर आवर
हो गई है। वर्ष 1950-51 में बिजली की मांग कितनी थी? उस टाइम पे थी 5 बिलियन किलोवाट आवर, जो अब 2000 में बढ़कर आपकी हो गई है 500 बिलियन किलोवाट आवर। इसी प्रकार खाद्यान्न जो है उनकी डिमांड भी बढ़ी है। 1951 में 395 ग्राम 1951 में 395 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भोजन की आवश्यकता थी, यानी इतने खाद्यान्न आवश्यक थे, जबकि 2000 में ये आपके ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इस प्रकार अपन ने देखा कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो किस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही है और इसके सारे ऋणात्मक प्रभाव ही ज्यादा पड़े हैं, जो सकारात्मक प्रभाव है वो इसके कम पड़े हैं। बहुत बहुत